इंडियन नेवी एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17A। इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन नेवी कुल मिलाकर 7 फ्रिगेट को तैयार कर रही है। तो अब ये फ्रिगेट क्या होता है, तो देखिए फ्रिगेट एक वॉरशिप होता है जो नेवी के वॉरशिप के जैसा ही होता है। बस इसमें फर्क इतना होता है कि ये साइज में नेवी शिप से थोड़ा छोटा होता है। इसके अलावा फ्रिगेट में वो सारी सुविधाएं वो उपकरण होते हैं जो नेवी शिप में होते हैं। फ्रिगेट से दुश्मन पर अटैक भी कर सकते हैं और दुश्मन के अटैक से अपने आप को बचा सकते हैं। मतलब इसमें अटैकिंग और डिफेंसिव सिस्टम की प्रॉपर फैसिलिटी होती है। तो प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत GRSE यानी कि गॉर्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने पहले फ्रिगेट को बनाकर तैयार कर लिया है जिसका नाम है INS हिमगिरी और इसको लॉन्च किया है मधुलिका रावत ने। मधुलिका रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन सिंह रावत की पत्नी है। इस ओकेजन पर जनरल बिपिन रावत मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। तो आइए जानते हैं इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 17A के बारे में और इस प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किए गए फ्रिगेट INS हिमगिरी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनोलेज टाइम में। दोस्तों यदि आप सभी चाहते हैं कि इसी तरह हम आपके लिए तथ्यात्मक जानकारीपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो दोस्तों INS हिमगिरी के बारे में जानने से पहले आइए जान लेते हैं नेवी के प्रोजेक्ट 17A के बारे में जिसके अंतर्गत इसको बनाया गया है। तो प्रोजेक्ट 17A नेवी के पुराने प्रोजेक्ट 17 का अपग्रेडेड वर्जन है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं प्रोजेक्ट 17 को। प्रोजेक्ट 17 का दूसरा नाम है शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए पहले फ्रिगेट का नाम INS शिवालिक है। तो इस आधार पर इस प्रोजेक्ट को शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट नाम दिया गया। तो ये जो प्रोजेक्ट था इसकी शुरुआत सन 2000 में हुआ था। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 तरह के फ्रिगेट को तैयार किया गया था और ये जो फ्रिगेट है वह मल्टी रोल फ्रिगेट है और भारत में बनाए जाने वाली पहली स्टेल्थ वॉरशिप भी है। प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत जितने भी फ्रिगेट बनाए गए थे उनका नाम हिल्स के नाम पर रखा गया था। पहले फ्रिगेट का नाम था INS शिवालिक, दूसरे का नाम INS सतपुरा और तीसरे का नाम INS सह्याद्री और इन तीनों फ्रिगेट को बनाया था मजगांव डॉक लिमिटेड ने। और अब इसी प्रोजेक्ट में इंप्रूवमेंट करके इंडियन नेवी ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A का दूसरा नाम नीलगिरी क्लास फ्रिगेट प्रोजेक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोजेक्ट 17A के तहत जो पहला शिप यानी कि फ्रिगेट बनाया गया हुआ INS नीलगिरी था। इसको बनाया था मजगांव डॉक लिमिटेड ने और इसको सितंबर 28, 2019 को लॉन्च किया गया था। और INS हिमगिरी इस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया दूसरा फ्रिगेट है। दोस्तों आपने कई सारे समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर देखा होगा कि प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बने पहले फ्रिगेट को लॉन्च किया गया। तो आपको क्लियर कर दूं कि INS हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बना यह पहला नहीं बल्कि दूसरा फ्रिगेट है। यह जानना जरूरी है कि इसको पहला फ्रिगेट क्यों कहा जा रहा है। तो देखिए प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 वॉरशिप यानी कि फ्रिगेट को बनाया जाएगा। इस 7 फ्रिगेट में से 4 फ्रिगेट को मजगांव डॉक लिमिटेड बनाएगा और 3 फ्रिगेट को गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि GRSE बनाएगा। तो ये जो GRSE है इसके द्वारा बनाया गया यह पहला फ्रिगेट है जिसका नाम है INS हिमगिरी। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाले 7 शिप का नाम हिल रेंजेज यानी कि पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर रखा गया है। यहां पर इस टेबल में आप देख पाएंगे कि इन 7 शिप का नाम INS नीलगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, हिमगिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी। इन चारों को बनाएगा मजगांव डॉक लिमिटेड जिसमें से INS नीलगिरी को 28 सितंबर 2019 के लॉन्च किया चुका है और इन तीनों को बनाएगा GRSE जिसमें अभी 14 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया है INS हिमगिरी को। बाकी के 5 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं। अगर हम बात करें INS हिमगिरी की तो यह नीलगिरी क्लास की एक एडवांस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। यह पूर्ण रूप से भारत में डिजाइन किया गया है और बनाया गया है। इसकी लेंथ 149 मीटर, बीम 17.8 मीटर, ड्राफ्ट 5.2 मीटर और डेप्थ 9.9 मीटर है। और इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो यह 6,670 टन वजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सक्षम है। इस शिप को अत्याधुनिक रडार सिस्टम, सेंसर और हथियार से लैस किया गया है जिसमें BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की HUMSA NG बो सोनार सेंसर, M2248MF स्टार S बैंड AES से रडार, सेल्फ डिफेंस के लिए 4 एंटी शिप मिसाइल, कवच डिकॉय लॉन्चर, 32 बाराक 1 मिसाइल्स, 8 ब्रह्मोस मिसाइल, 5 इंच की 62 कैलिबर MK45 नवल गन, 2 AK630MCIWA वीपन सिस्टम, 2 RBU 6000 ASW रॉकेट लॉन्चर्स और 2 ट्रिपल टारपीडो
ट्यूब शामिल हैं। इसके अलावा दो HAL ध्रुव या फिर सी किंग MK हेलीकॉप्टर को भी यह कैरी करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।